नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी फिटनेस लेवल को बढ़ाने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि फिटनेस लेवल पे जब बंदा काम करता है, कोई भी पर्सन काम करता है, तो ये देखा गया है कि वो अपने डाइट में, अपने शेड्यूल में, अपने सोने में, अपने अदर एक्टिविटीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका मेन थीम जिसे कह सकते हैं हम लोग, जो टॉपिक रहेगा वो इस पे रहेगा कि मेरा जिम जो है वो लगभग 2 किलोमीटर दूर है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ। सुबह 5 बजे उठता हूँ और 5:30 बजे अपनी स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार को स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं जिम जाता हूँ। वहाँ जाके फिर मैं साइकिल चलाता हूँ। आप समझिए इस चीज़ को कि हम लोग जब फिटनेस लेवल पे कोशिश कर रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, फिटनेस लेवल को अचीव करने के लिए, हमारा जो भी टारगेट है, हमारा जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए, तो आप कम से कम जो मॉर्निंग का आपका जिम जाने का शेड्यूल है उसे विदाउट एनी व्हीकल आप लोग कोशिश करिए करने की पूरा। यहाँ पर अगर आप व्हीकल को यूज नहीं करेंगे तो आपको रोड पे चलने की एक आदत पड़ेगी। 1.5-2 किलोमीटर जो भी आपका जिम का डिस्टेंस है वहाँ तक आप रनिंग करते हुए जा सकते हैं, रनिंग करते हुए ही वापस आ सकते हैं। जो आपको कार्डियो का टाइम है उसे आप वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बेनिफिट, जब आप रनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी का पूरा अच्छे से वार्म अप हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है आपकी बॉडी का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप जिम पहुंचते हैं, आप अपना जो भी सप्लीमेंट लेते हैं, प्री वर्कआउट लेते हैं, आप अपना मल्टीविटामिन लेते हैं, आप प्रोटीन लेते हैं, आप प्रोटीन लेते हैं, आप कुछ भी लेते हैं, वो आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छी तरीके से असर करेगा। उसका जो है हाइएस्ट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी होगा, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन वाकई में बहुत अच्छा है, आपका सीधा नेचर के साथ में जुड़ाव होगा। सबसे अच्छी बात, आप सुबह देखेंगे सूरज आपके सामने उग रहा है, सूरज आपके सामने ही एक तरह से लाली जो होती है सूरज की वो आपको मिल रही है, फ्रेश एयर आपको मिल रही है, आपके लंग्स का जो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन है, लेवल है आपकी बॉडी का, ऑक्सीजन इनटेक है वो बढ़ेगा आपका। कितनी सारी चीज़ों के साथ में हम लोग जुड़ जाएंगे, साथ में हमारे पास पेट्रोल कंजप्शन जो हमारी व्हीकल का है वो कम होगा, जो सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करने के समय गाड़ी को एक प्रेशर आता है वो कम होगा, हम वापस पैदल जाएंगे फिर से हमारा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद में वो हमारा एज ए कार्डियो काउंट अप होगा, जिससे हमारा जो फैट लॉस है वो काफ़ी अच्छा हम लोगों को देखने को मिलेगा। पैदल चलने से आपको वेट लॉस भी होगा, आपका फैट लॉस भी होगा, आपका टमी जो है वो काफ़ी हद तक अपना कंट्रोल्ड होगा, आपका मसल्स जो है उसको काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन महसूस होगा, क्योंकि पैदल चलना और हल्की हल्की स्टेप्स के साथ में जॉगिंग करना एक काफ़ी अच्छा वार्म अप और वार्म डाउन माना गया है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। आप किसी भी लेवल पे एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन कोशिश करिए कि आप डेली मॉर्निंग में आप जिम पहुँचें, तब आप पैदल पहुँचें या जॉगिंग करते हुए पहुँचें, और उसके बाद जिम से जैसे ही अपना वर्कआउट फ्री होते हैं आप वापस जॉगिंग करते हुए या पैदल ही अपने घर पहुँचें। आप इस चीज़ को एक बार, 1 महीना आप यूटिलाइज करके देखिए, यूज़ करके देखिए इस थीम को, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्लानिंग को, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका फिटनेस लेवल वाकई में काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, आपका स्टेमिना काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, आपका ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी आपकी बॉडी की है वो काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हो रही है, और आप नेचर के साथ में बहुत सारे चीज़ों के साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। आप इसको अगर करेंगे तो आपको खुद को एक खुशी महसूस होगी, माइंड का जो फ्रेशनेस है वो आपकी डेवलप होगी, आप बहुत कम टायर्ड फील करेंगे, आप ऑक्सीजन जब आपके माइंड तक पहुंचेगा तो आपको लगेगा कि हाँ आज मुझे टेंस फ्री हो रहा है, मुझे किसी कार को स्टार्ट नहीं करना है, मुझे किसी स्कूटर को स्टार्ट नहीं करना है, जो मुझे किसी मोटरसाइकिल को स्टार्ट नहीं करना है, मुझे जस्ट अपने पैरों के ऊपर जिम तक पहुँचना है और जिम में जाके अपना एक्सरसाइज करना है और वापस से ही पैदल या जॉगिंग करते हुए जैसा हमें कंफर्ट फील हो वैसे हमें घर आना है। आपका बहुत अच्छे लेवल पे कार्डियो हो जाएगा, आप यकीन मानिए, और आपका बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आपकी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा विद इन ए मंथ आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा।
इवन कि आपका जो मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, कितने टाइम से आप लोग जिम जा रहे हैं, कितने टाइम से आप लोग एक्सरसाइज के ऊपर अपना फिटनेस लेवल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप अगर इसी एम मैंने इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील आने वाला है। आप लोग इसे इम्प्लीमेंट करिए, आपके फिटनेस लेवल को हम लोग कोशिश करेंगे और अच्छे से बढ़ा सकें और आपको नई नई जानकारियाँ दे सकें। धन्यवाद।